दूसरे सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा सेशन थोड़ा आर्थिक पक्ष का है, और उस आर्थिक पक्ष के में बात करने से पहले मैं एक चीज और कहूँ, ये जो पहला सेशन था ना, ये वो चीजें थी जो हमारे रोजमर्रा की चीजों को हमें सुबह से शाम तक याद दिलाती रहती है। भारत जैसा देश जहाँ पे एक एवरेज इंडियन, भारत में बोली जाने वाली मेरे ख्याल में हम 80% भाषाओं को मैं समझता नहीं हूँ, मेरे भारत की 80% भाषाओं को मैं नहीं समझता हूँ, इतना डाइवर्सिफाई है। मेरा जो ये सेशन है वो है भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो क्या ये जो कई लोग कहते हैं ये अर्थमेटिक कंपाउंडिंग है कि हमारे यहाँ हमारी पॉपुलेशन है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, मोदी जी कहते हैं कि उनके प्रयासों की वजह से ही हुआ है, अगर मोदी जी नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। मोदी जी कहते हैं कि वो तीसरे स्थान पर भी हमें पहुँचा देंगे। इन सब के बीच में हमारे साथ जो सबसे हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं। प्रोफेसर अरुण से जब भी बात करता हूँ तो मुझे एक गिल्टी कॉन्शियस रहता है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति से मैं बहुत बेसिक चीज़ें पूछता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी लज्जा भी आती है कि भाई मैं इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति से मैं बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आपसे जो बेसिक चीज़ आप फिर से पूछनी है और हमारे दर्शकों के स्पोक्स पर्सन के तौर पर, कि सरकार अब कहती है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे अगले 4-5 साल में, और इसका क्या मतलब है? हम थर्ड बन जाएं, हम फोर्थ बन जाएं, हम फर्स्ट बन जाएं, लेकिन इस पे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर इस प्रश्न को ला रहा हूं। हमारा जो दफ्तर में काम करता है लड़का, या जो हमारे गांव में जो खेत में मजदूरी करता है, उसके लिए क्या इसका कोई मतलब है कि आप थर्ड हैं कि फिफ्थ हैं कि फर्स्ट हैं कि सेकेंड हैं? जीडीपी कितनी बात होती है? प्रोफेसर अरुण कुमार, तो इसमें देखिए 2-3 बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि अभी भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम 138वें स्थान पे हैं, तो चाहे हमारा जीडीपी बड़ा है क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बराबर, मतलब जो और देश हैं उनके बराबर आ गए हैं, क्योंकि ये जब कहा जाता है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो कुछ ये अंदाज है कि हम अब बहुत आगे निकल गए हैं। तो आगे निकल गए हैं किसके लिए, ये तो दूसरी बात इसमें ये आती है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो इकोनॉमिक गेन्स का, वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल होता चला जा रहा है, उसमें गैर बराबरी बहुत आती चली जा रही है। तो ऊपर का तबका तो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा नीचे का तबका है, जो 94% असंगठित क्षेत्र में है, उनके लिए इसमें फ़ायदा नहीं है। तो जो आप अपने कामगार जो है आपके दफ्तर में काम करते हैं वगैरह, उनकी बात करें तो वो अभी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको इसका लाभ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बहुत ना के बराबर लाभ हो रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, तो एक्चुअली उनकी स्थिति गिरावट पे है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन तेज हो गया है और जो असंगठित क्षेत्र है उसकी आमदनी बढ़ती नहीं जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसके हिसाब से भी गिरावट। तो यानी कि दो वजह हैं, एक तो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है ये असंगठित क्षेत्र में, दूसरा जो हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो तेज होने से उनमें गिरावट आई है। जो एक तीसरी अहम बात है कि क्या हमारे डेटा सही हैं, हमारे आंकड़े सही हैं जिनके आधार पे हम कह रहे हैं कि आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और आने वाले समय में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब नोटबंदी हुई, उस समय जब सबने देखा कि 5 महीने तक अर्थव्यवस्था बहुत ही डावाडोल रही, आपने देखा मार्केट बंद रहे, मॉल ज़्यादा लोग नहीं जा रहे थे, उत्पादन में कमी आई, शिमला मिर्च सड़कों पे फेंकी जा रही थी क्योंकि वो 1 रुपए किलो बिक रही थी, आपके फूल जब पुणे की मंडी में सड़ रहे थे क्योंकि कोई खरीदार नहीं थे। तो यानी कुल मिला के कृषि में भी गिरावट थी, बाकी अर्थव्यवस्था में भी गिरावट थी, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 8% की ग्रोथ हुई, यानी 2010 से 20 के बीच में सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ हुई जब जो नोटबंदी हुई। ये दिखा रहा है कि हमारे आंकड़े कितने गलत हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं इनका आधार है हमारा संघर्ष क्षेत्र, और जो असंघर्ष क्षेत्र है वही सबसे बुरी तरह पिटा, पहले नोटबंदी से पिटा, फिर GST से पिटा, फिर NBFC क्राइसिस आया, यानी 2016-17-18, फिर 2020 में जब आपका ये लॉकडाउन हुआ तो सबसे बड़ा असर उसके ऊपर ही हुआ। तो यानी कि बार बार पिछले 7 साल में सबसे बुरा असर वहीं हुआ। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है जिसको हम संघर्ष क्षेत्र के आधार पर आंकते हैं,
वो जो सरकार कहती है कि हमारा एवरेज में ग्रोथ रेट 6% 7% रहा है, मेरा मानना है वो 1 या 2% से ज़्यादा नहीं रहा है। अगर वो 1 या 2% से ज़्यादा नहीं रहा है तो अभी हम 5वें स्थान पे नहीं है, अभी हम 8वें या 9वें स्थान पे हैं। और अभी अगर हम 8वें या 9वें स्थान पे हैं और अभी हमारा रेट ऑफ ग्रोथ उसी अनुसार चलता रहा तो हम 2028-29 तक 3रे स्थान पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो पहले ही डगमगा गया था। अगर आप ऑफिशियल ग्रोथ रेट के हिसाब से चलें तो पैंडेमिक के जरा पहले का जो क्वार्टर था उसी में रेट ऑफ ग्रोथ 3% के करीब आ गया था, जो सरकारी आंकड़ों में 2017-18 के क्वार्टर फोर में 8% दिखाया जाता है वो ऑफिशियली 3% आ गया था। यानी रेट ऑफ ग्रोथ पहले ही गिर रहा था, और जब रेट ऑफ ग्रोथ पहले ही गिर रहा था क्योंकि असमानता बेतहाशा बढ़ गई थी, तो इसका ये मतलब है कि अभी भी रेट ऑफ ग्रोथ 1 या 2% के आसपास ही है, वो अभी 6 या 7% पे नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 6-7% की रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, 1 या 2% की रफ्तार से ही बढ़ रहे हैं, तो 3रे स्थान पे भी हम नहीं पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के ये 3-4 बातें हैं। एक तो प्रति व्यक्ति आय हमको देखना चाहिए, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें असमानता बेतहाशा बढ़ रही है, जिसमें कि जो ऊपर का तबका है, जो संगठित क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, और जो नीचे का तबका है उसमें गिरावट है इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, और तीसरा हमारे आंकड़े सही नहीं होने की वजह से अभी हम 5वें स्थान पे नहीं हैं, और आने वाले 5 साल में हम 3रे स्थान पे भी नहीं पहुंचेंगे जब तक कि हम अपनी नीतियां ना बदलें। और ये नीतियां आज की क्या हैं, अगर हम ये समझें तो नीतियां हैं ट्विन स्ट्रैटजी जिसको मैं बोलता हूँ। एक तरफ बड़े बड़े चाय बॉस बनाए जो साउथ कोरिया जैसे, तो अंबानी अडानी टाटा इन सबको बड़े बड़े चाय बॉल में बना दें, सारे इनको जो आप जो भी जो अच्छे एसेट्स हैं वो इनको पकड़ा दें। अभी मोस्ट रिसेंटली आपने देखा सीमेंट कंपनी का जो एक वो देना था, तो जिस कंपनी के साथ समझौता हुआ उसको कैंसिल करके वो अडानी को दे दिया। यही होलसिम के साथ हुआ था 2 साल पहले, कि जो अल्ट्राटेक जो सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी थी उसके साथ समझौता हो गया था, लेकिन वो कंपनी जो अल्ट्राटेक को नहीं मिली वो अडानी को अगले दिन मिल गई। उसी तरह एयरपोर्ट्स वगैरह में हुआ, तो जो सारे के सारे एसेट्स हैं वो उधर चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 80 करोड़ हैं जो गरीब हैं उनको हम गरीबी में रख रहे हैं, जिससे कि उनको लाभार्थी बना सकें, उनको गैस दे देंगे, उनको हम जो 6,000 रुपये किसानों को दे देंगे। इस तरह से ये आइडिया है कि पोलिटिकली हम उनसे वोट लेते रहेंगे, लेकिन जो बेनिफिट है वो ऊपर के तबके को मिलेगा, जो संग्रह क्षेत्र है, संग्रह क्षेत्र में भी जो कॉरपोरेट है, बड़े बड़े कॉरपोरेट। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत बड़े लेवल पे जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो देश को छोड़ के जा रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच में 23,000 लोग ने छोड़ा, जो मतलब 2.5 लाख के करीब अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल माने जाते थे, तो 10% ने देश छोड़ दिया था उस समय। और 2019 में 5,000 और ने छोड़ा, अभी पिछले साल 6,500 और ने छोड़ा। तो ये बिजनेस क्लाइमेट खराब हो रहा है, क्योंकि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके हाथ में एसेट्स पहुँचाए जा रहे हैं। तो यही नहीं हो रहा कि जो सिर्फ जो अति अमीर है और जो गरीब उसकी खाई बढ़ रही है, पर जो बड़े बड़े जो फेवर्ड क्रोनीज हैं और जो बाकी जो बिजनेसमैन हैं उनमें भी खाई बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो मॉडल है इसके चलते हुए हमारा ग्रोथ रेट सही नहीं होगा, क्योंकि जो मास डिमांड होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में वो मास डिमांड क्रिएशन में प्रॉब्लम आ गई है। अब मास डिमांड क्रिएशन में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपका ग्रोथ रेट उतना नहीं बढ़ पाएगा जो सरकार कह रही है कि 7% 8% का ग्रोथ रेट रहेगा, उसके हिसाब से हम 3रे उस पर पहुंच जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी जो समस्या थी वो पैंडेमिक के पहले से ही चल रही थी, वो समस्या अभी गई नहीं है क्योंकि सरकार की नीतियां बदली नहीं है। जब तक सरकार की नीतियां बदलेंगी नहीं तो हमारा रियल ग्रोथ रेट 6-7% पे नहीं पहुंचेगा, वो 1 या 2% पे ही रहेगा, तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएंगे। जी जी, मैं हिमांशु जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, रिएक्शन चाहूंगा। एक हमारे दर्शक है वरुण मलिक, वो पूछ रहे हैं कि गुजरात मॉडल हमें बेचा गया था एज अ डेवलपमेंट मॉडल। वो कह रहे हैं दे फेल टू मेंशन दैट गुजरात परफॉर्म्स इन द बॉटम 5 फॉर मेल न्यूट्रिशन नरिशमेंट, ऑल्सो फीमेल हेल्थ इज लैगिंग बिहाइंड इन द इंडस्ट्रियल स्टेट। मैं जो आपसे एक चीज रिएक्शन चाह रहा हूँ कि जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की जो डिस्पैरिटी है, और इंडस्ट्री की जगह हमारे यहाँ सर्विस इंडस्ट्री में बहुत जोर है, तो एज अ पॉलिसी मेकर लॉन्ग टर्म में आपको कुछ हमारे पास विजन है कि हम अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, अपने आप लोग चीजें बढ़ती जाएंगी और हम एक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। हिमांशु जी,
नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और आपको अभिनंदन ये टॉकाथॉन के लिए। प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने पूरी की पूरी बात जो है, जो विषय है वो एक, उसका जो रेफरेंस पॉइंट जिस तरीके से दिया वो परफेक्टली दिया उन्होंने, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खाई अमीरों और गरीबों में, लेकिन जो अमीर है उनमें भी मतलब एक तरीके से उनको भी ये महसूस हो रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। गुजरात मॉडल की जहां तक हम बात करें तो गुजरात मॉडल को अभी तक मार्केट नहीं किया गया था। गुजरात मॉडल क्या है मैं बताता हूं। 1960 में जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ तो देश का जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स है उसके ऊपर गुजरात 9वें क्रम पे था। ना ही हमारे पास कोई बड़ी मतलब अदानी अंबानी की कोई इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे, ना ही कोई एसआर था, कुछ था, सिर्फ एक पीएसयू सबसे बड़ा जो था वो ओएनजीसी था, और कहीं ना कहीं टाटा केमिकल्स का नमक बनाने का कारखाना मिठापुर में, और एसएससी की कुछ तीन कंपनियां द्वारका में, सेवालिया में और पोरबंदर, वेट प्रोसेस वाली, तो स्केल ऑफ इकोनॉमी उसकी छोटी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई बाद में वो सब क्लस्टर्स के जरिए, छोटे छोटे जो शहर थे शहर के अंदर जो क्लस्टर्स बने, जैसे आपके मतलब वहां पे उत्तर प्रदेश में इत्र का बिजनेस है, छुरी चाकू का बिजनेस है, चमड़े का बिजनेस है, वैसे यहाँ पे क्लस्टर्स बने। और क्लस्टर्स कैसे बने कि जामनगर में ब्रासपाट का बिजनेस है, राजकोट में डीजल इंजन का बिजनेस है, मोरबी में तब उस जमाने में ग्लेस टाइल्स बनती थी और रूफ टाइल्स बनती थी तो उसका बिजनेस था, आज मोरबी हब बन चुका है विट्रीफाइड टाइल्स का, सिरामिक टाइल्स का। उसी तरीके से अगर आप देखने जाए तो बगसरा करके एक छोटा गांव है अमरेली डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वहां पे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी बनती है वो बगसरा से उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती थी। उसी तरीके से सूरत है तो सूरत पूरा का पूरा डायमंड पॉलिशिंग का और एम्ब्रॉयडरी वगैरह का और टेक्सटाइल का हब बना। तो अगर आप पूरे समूचे गुजरात को देखेंगे तो नॉर्थ गुजरात को मतलब निकालते हुए, क्योंकि नॉर्थ गुजरात में जो डेवलपमेंट आया वो भूकंप के बाद की जो पॉलिसीज आई उसमें बहुत सारी कंपनियां आई कच्छ में, और उसके बाद पाटन में सोलार के कुछ प्रकल्प लगे, बाकी उसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर, डेयरी इंडस्ट्रीज, ये जो बनास डेयरी है या फिर अमूल की डेयरी है, तो ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो थी उसकी वजह से ग्रोथ आई। और सबसे बड़ी चीज सिंह साहब क्या थी ये समझने लायक, उस जमाने में ये छोटी छोटी कारखाने या छोटी छोटी कंपनियां उस शहर में लोगों को नौकरियां देते, तो आप कहीं पे भी किसी भी घर पे चाहिए चले जाइए, मिडिल क्लास के लोग उन कारखानों में नौकरियां करते थे, क्लर्क के तौर पे या कोई अगर डिप्लोमा किया है तो कोई इंजीनियर के तौर पे, या उस तरीके से नौकरियां उनको मिल जाती। ये कारखाने पैसे कहां से लाते थे, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये कारखाने पैसे लाते थे कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से। तो गुजरात में सबसे बड़ी चीज जो हुई वो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर हुआ, क्योंकि उस जमाने में इन कंपनियों के पास स्टॉक मार्केट में जाने की ताकत नहीं थी, एसएमई एक्सचेंजेस जो भी आए उस जमाने में तो थे नहीं, तो ये जो बड़े बड़े कारखाने थे वहां से जो लोग कहीं ना कहीं इन कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड पे बैठते थे, छोटे छोटे खुजरा व्यापारियों से रोज के 10 रुपये 20 रुपये लेके इस तरीके से पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, जिस शहर से मैं आ रहा हूं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पावर में रही, जब कांग्रेस मतलब केंद्र में सत्ता में थी और राज्य में सत्ता में थी, वहां पे छोटे छोटे रेडी रेकली वालों को भी लोन दिया गया था और वो लोन 100% भरपाई हुआ। तो ये मॉडल था। 1960 में हम 9वें क्रम पे थे, 1990 में हम दूसरे क्रम पे थे, और हमारे पास जैसे मैंने कहा कोई बड़े कारखाने नहीं थे। आप चेक करवा लीजिए, रिलायंस आया 1998 में, उसके बाद एसआर आया, उसके बाद ये सब जो भी हुआ वो हुआ, कार कंपनियां या जो भी आई। तो ये ग्रोथ था गुजरात का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, आज वो खत्म हो। लिज्जत पापड़ जैसी सबसे बड़ी ब्रांड आप देख लीजिए गुजरात में, उसका जिस तरीके का नेटवर्क है, पापड़ बना औरतें पापड़ बनाती थी बॉम्बे से, बेसिकली वो एक कोऑपरेटिव मॉडल है वो भी। तो ये गुजरात की ग्रोथ स्टोरी, और इसको मार्केट नहीं किया गया था शायद, या इसके ऊपर जो पॉइंट्स थे कि हम सबसे बड़े नमक के प्रोड्यूसर है या हमारे पास अच्छा खासा रोड नेटवर्क है पोर्ट्स को कनेक्ट करता हुआ, तो ये मार्केटिंग हुआ। तो गुजरात मॉडल किसी ने खड़ा नहीं किया है, गुजरात मॉडल लोगों ने खुद ने खड़ा किया है, अपनी मेहनत से खड़ा किया है। गुजराती के अंदर एक एंटरप्रीनोरशिप होती है, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो वो अपना व्यापार कर लेता है। तो आप हमारे मतलब आप कच्छ देख लीजिए, कच्छ भूकंप के पहले जो जिस तरीके की बाढ़ आई थी उसमें खत्म हो गया था, साइक्लोन में खत्म हो गया था। उसी तरीके से आप मोरबी देख लीजिए, क्लासिक
एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बाढ़ में खत्म हो गया था, भूकंप में खत्म हो गया, लेकिन फिर से खड़ा हो गया। तो हमारे लोगों के अंदर एक तरीके की एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है गुजराती लोगों के अंदर, खास करके गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़ से। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आप समझ लीजिए कोई अदानी अभी है नॉर्थ गुजरात से वगैरह से, बाकी जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं गुजराती, वो सब सौराष्ट्र के हैं, सौराष्ट्र कच्छ के, खास करके समुद्री किनारा जो है वहां से है। धीरूभाई अंबानी ले लीजिए आप, खिमजी रामदास ले लीजिए जो दुबई में इतने बड़े हैं, आप ले लीजिए इनको नानजी कालिदास, ये जो जूही चावला के ससुर, मेहता ग्रुप जो है, आप ले लीजिए आई मीन चिमन भाई मेहता करके जो अभी सीके मेहता, जो दीपक नाइट्राइट ग्रुप के जो चेयरमैन, दीपक फर्टिलाइजर ग्रुप के जो अभी गुजर गए, वो अमरेली से है। सन फार्मा वाले वो अमरेली से है। तुलसी तंती सुजलोन के वो राजकोट से थे। तो ये सब सौराष्ट्र कच्छ से पैदा हुए कहीं ना कहीं। इवन अजीम प्रेम जी के जो रूट्स है वो कच्छ के हैं, कच्छी मुस्लिम है वो। तो ये जो आए हैं ना अभी, ये अहमदाबाद से, गुजरात से, ये अलग है पूरी ब्रीड। ये क्रेडिट कार्ड पे चलने वाली ब्रीड है, हमारी वाली जो ब्रीड है वो कैश पे चलने वाली ब्रीड है, तो और साहस कर लेती है। तो ये आज जो आया है ना, ये पूरा अलग है और ये अलग था। तो ये मार्केटिंग ज्यादा हो रही है इनके ऊपर, ये पूरा का पूरा अंदर से खोखला है। इसलिए तो हिंडनबर्ग में लिखा भाई साहब ये खोखला है। आप मुझे एक बात समझाइए, आपने एनडीटीवी मीडिया टेक ओवर किया, आज की तारीख में मैं आपके मंच से ये बोलना चाहता हूं, इनका बिजनेस सेंस देखिए। एनडीटीवी एंड बीक्यू प्राइम इन लोगों ने एक्वायर किया है मीडिया एसेट्स। हिंडनबर्ग के मामले में तो इतना कुछ कर नहीं सके उसको, मतलब जिस तरीके से बात करनी चाहिए, अश्वत्थ दामोदरन जैसे वैल्यूएशन एक्सपर्ट जब बोले तब जाके पता चलता था कि ये तो इनके पास मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स भी नहीं है। और आज की तारीख में बीक्यू प्राइम एंड एनडीटीवी गुजरात में स्ट्रिंगर्स ढूंढ रहा है, जब उनकी जो राइवल कंपनी है नेटवर्क 18 वो इतना बड़ा यहाँ पे नेटवर्क खड़ा करके बैठी है, उनके इतने मतलब रिपोर्टर्स है, सभी वो जितनी भी ब्रांड है उनके, और यहाँ पे लोग स्ट्रिंगर्स ढूंढ रहे हैं। तो इनका आप मॉडल इसी से पता चलता है, इनके पास स्पेस है, सब कुछ है, लेकिन ये खोखलापन है और मार्केटिंग ज्यादा है सब चीजों की। दूसरी जो बात अरुण कुमार जी ने जो कही वो आपके संदर्भ में जो आपने प्रश्न पूछा, वो मॉडल गुजरात मॉडल और ये क्या हो रहा है, ये गेम चल रहा है कंसोलिडेशन का। क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप ने कुछ, अगर आप उसके भाषण सुनेंगे, पिछले भाषण जो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब या प्राइम मिनिस्टर है तब, वो पूरा का पूरा गेम कंसोलिडेशन का खेल रहे। उन्हें छोटे लोग नहीं चाहिए, उन्हें छोटे टैक्स पेयर्स नहीं चाहिए, उन्हें बड़े टैक्स पेयर्स चाहिए। और आप जान के हैरान होंगे कि आने वाले दिनों में अगर शायद आपकी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है वो आउटसोर्स हो जाए पूरी की पूरी, तो मुझे बिल्कुल अचरज नहीं रहेगा। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है, हाउसकीपिंग और बेसिकली सिटी क्लीनिंग का जो काम है वो आउटसोर्स कर दिया गया है। जो एक जमाने में एक पूरा एक वर्ग था जो उसके ऊपर निर्भर था, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता था क्लीनिंग वगैरह का, आज वो पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है। द्वारका जैसा शहर जहां पे मैं फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, मेरे रूट्स वहां पे, तो वहां पे जो क्लीनिंग करने वाले लोग हैं वो जैकेट एक कंपनी का पहन के घूमते। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, बोले हम ये कंपनी के लिए, वो कंपनी के ऊपर भी वो कॉन्ट्रैक्ट रोल में, तो उनको मतलब वो पेंशन वगैरह भी नहीं मिलने वाला। ये मॉडल कहां से आ रहा है ये मैं भी आपको बता सकता हूँ, गूगल पे चेक कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में किसी काउंटी सिटी काउंसिल की सर्विसेज में शायद कोई कंपनीज ने एक्वायर किया और ये मॉडल वहां से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। तो आने वाले दिनों में ये जितने भी मतलब कॉर्पोरेटर जो अपना रसूख बना के घूम रहे हैं ना, आने वाले दिनों में यहाँ पे तो कॉर्पोरेटर्स की कोई वैल्यू वैसे रही नहीं है गुजरात में, ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो। ये आने वाले दिनों में इनकी वैल्यू ये सिर्फ वो वोट गार्नरिंग और वोट गैदरिंग और पीपल गैदरिंग के लिए रहेगी, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये ज्यादातर या तो इनकी प्राइवेट कंपनीज रहेगी ये कॉन्ट्रैक्ट की क्लीनिंग वगैरह की। तो ये इस दिशा में जा रहा है, और जब ये सब हो जाएगा तब कोई जाके एक्वायर कर ले। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आपके चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूं, बॉक्साइट माइनिंग पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में है। दुनिया भर में माइनिंग के इश्यूज होते हैं एनवायरमेंटलिस्ट को लेके, एनवायरमेंट ग्रीन प्रोटेस्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये माइनिंग नुकसानकारक है, आप बंद कर दीजिए। बॉक्साइट का माइनिंग, आपको मुझे लगता है इसके ऊपर एक एपिसोड करना चाहिए। 2014-2015 तक बॉक्साइट माइनिंग का बिजनेस ऐसा था कि 77 लाख टन बॉक्साइट उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, वो 1 करोड़ टन तक ले जाना चाहते थे। पिछले साल 50,000 टन ही एक्सपोर्ट कर पाए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज, प्राइसिंग, जो जो मतलब रॉयल्टीज वगैरह जो उनके ऊपर लाद दी गई है ना,
और एक तरफ बॉक्साइट के रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं, उसको लेके जो पॉलिसीज जिस तरीके से बनाई गई है, पूरा का पूरा माइनिंग का धंधा खत्म हो गया। तो मेरा मानना है आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा रसूखदार से इसमें घुसेगा, क्योंकि ये देखिए ये एक व्यापारिक मॉडल है, और ये व्यापारिक मॉडल कैसे होते हैं आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही एक बाजारी आदमी इन द सेंस में बाजार में घूमता हूँ, खुदरा व्यापारियों से बात करता हूँ, शोरूम्स पे जाके बैठता हूँ, इसलिए मैं मेरी माइंडसेट जो है वो बाजार में लोग जैसे व्यापारी सोचता है वो मैं बताता हूँ। मंदी कैसे ट्रिगर होती है, सोने का व्यापारी उसको पता है भाव अब जाने वाला है, उसने सोना लेके लेके रख दिया है, और वो कहीं ना कहीं मंदी ट्रिगर करता है। जब वो एक सप्लायर होता है वो पकड़ के बैठता है, मंदी ट्रिगर करता है, भाव नीचे लेके आता है और बोलता है कि खरीद लो, इस भाव पे नहीं मिलेगा, पूरे मार्केट से पैसा वाइप आउट हो जाता है, और वाइप आउट होने के बाद वो दूसरा सोना उस भाव पे खरीद के जब वो तेजी आती है तब वो मतलब उसका वो होता है कि आपने आज पैसा दिया लेकिन सोना जब आएगा उसका डिलीवरी का भाव जो रहेगा वही रहेगा, तो उस तरीके से रहेगा। तो उस तरीके से वो जब अप में आता है तब वो बेचना शुरू करता है, उसके पास भी जो होल्डिंग होता है वो। तो ये एक बिजनेस मॉडल है, आप मंदी ट्रिगर कीजिए। जैसे अरुण कुमार जी ने कहा नोटबंदी में क्या हुआ, मंदी ट्रिगर हुई, डिमांड डाउन हुई, उसके बाद कोरोना लकीली मतलब ऐसा हुआ कि उसमें भी वही हुआ, जीएसटी में असमंजस इतनी रही कि जीएसटी का मतलब इंप्लीमेंट करने में ये हुआ कि जीएसटी की वजह से भी डिमांड क्लैरिटी नहीं थी। आज जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े आप इतने बड़े दिखा रहे हैं, बात सही है, लेकिन डिमांड आप देखिए बॉटम ऑफ द पिरामिड के जो डिमांड है, आई एम श्योर प्रोफेसर अरुण कुमार इससे एग्री करेंगे, बॉटम ऑफ द पिरामिड में डिमांड टूट चुकी है। आप आंकड़े देते हैं थार के, अब थार क्या कोई हर आदमी जो ₹5 का बिस्किट का पैकेट खरीदता है वो खरीदता है, ₹5 के बिस्किट के पैकेट के ऊपर भी जीएसटी है आपका। और कौन सा धंधा है दुनिया में एक सिग्नेचर से जहां पे 9% से लेके 50% आपको दे देना पड़ेगा, आप चाहे भले उधारी में धंधा करो। आपने कुछ चीज बेची है ₹10,000 की, उसके ऊपर 18% टैक्स है, तो ₹1,800 आपको सरकार को दे देना है। अब वो 10,000 जब भी आए वो सामने वाला खड़ा भाग भी जाए तो आपका तो गया। तो पहले आप जब धंधा करते हो, कुछ भी लेन देन करते हो, तो सबसे पहले आपको सरकार को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है जीएसटी के रूप। अब वो उधारी के ऊपर नहीं है, उधारी गई तो गई। तो अगर इसे आप ग्रोथ कहते हैं, और अगर और आप दूसरी एक चीज एक लास्ट चीज मैं बोल के खत्म करता हूं, हर एक चीज के दाम आप देख लीजिए कितने बढ़ चुके हैं, तो आपने ऑटोमेटिकली उसको एक प्रीमियम लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं देखता हूं एड्स, प्रीमियम शेक्स, फिर प्रीमियम आइसक्रीम्स, प्रीमियम लिविंग अपार्टमेंट। इंडिया प्रीमियम का कंट्री नहीं है भाई साहब, बॉटम ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन वाला कंट्री है जी। तो मिडिल क्लास अभी धीरे धीरे बॉटम ऑफ पिरामिड में आ रहा है, और उसका कंजम्पशन जो है वो एक जमाने में जो था वो कम हो रहा है। मैं फार्मेसी स्टोर्स पे बैठता हूँ, एक जमाने में लोग आते थे विक्स की एक डिबिया लेगा, बोलेगा आज की छोटी बीको है तो वो भी दे दो, तो ₹100 का 200 का जो हिसाब होता है हो जाए। आज के जमाने में एक डिबिया छोटी लेता है, बड़ी लेता भी, जितनी रिक्वायरमेंट उतना कंजम्पशन होता है, और कंजम्पशन कहीं ना कहीं टूट चुका। तो ये डिमांड आप कैसे खड़ी करेंगे, जब तक आप डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में नहीं देंगे डिमांड खड़ी नहीं होगी। उसके लिए जॉब क्रिएशन, और उसके लिए जो पुराना गुजरात मॉडल था वो वापस लाना पड़ेगा। ये जो नया मार्केट किया है ना आपने, कार कंपनियां जा रही है भाई साहब, प्यूजो चला गया वहां से समझ लीजिए, फोर्ड भी चला गया, आए सब चले गए, बहुत सारी आता है। अब 70% अगर आप माइक्रोन को देंगे, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 20% स्टेट गवर्नमेंट देगा, और 30% मेरे को निकालना है, मुझे भी धंधा करना है पोर्ट का, चलिए 100% ओनरशिप मेरी है, क्योंकि वो पेपर्स जाके मैं बैंक से पैसा उठाऊंगा, मुझे करना है ये धंधा। कौन नहीं करेगा धंधा आपके साथ, कहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बिल्कुल आएगा, लेकिन किस लेवल का इन्वेस्टमेंट आता है ये समझना पड़ेगा। तो ये है सब, ये पूरा का पूरा एक मार्केटिंग है, आप समझने की कोशिश जी। और पूरा का पूरा एक माइंडसेट है, स्पेक्यूलेटिव माइंडसेट है, उसको आपको समझना पड़ेगा धंधे का जी। प्रोफेसर अरुण कुमार अगर आप सुन रहे हो तो मैं एक आपसे प्रश्न है वो ले लेता हूँ, किसी मेरे दर्शक का प्रश्न है फिर मैं नहीं, प्रोफेसर साहब एक आपसे प्रश्न है, मैं एक छोटा प्रश्न ले रहा हूँ फिर मैं अखिलेश जी और अजय जी के पास जा रहा हूँ। अरुण कुमार ये बताइए, एक हमारे वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर अपोलॉजीज फॉर सो मेनी क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा इज 37.4%, वेयर एज 4% इन तमिलनाडु, एनी स्टेप्स दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन डू टू कॉपी। मतलब उनका कहना है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कोई ऐसी नीतियां बना सकती हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट पे सीधे, रोजगार पे सीधे असर पड़े। देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 94% लोग काम करते हैं और 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं,
तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर आज जा रहा है संग्रह क्षेत्र में। ये मैंने 2008 में एक पर्चा लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि 80% इन्वेस्टमेंट हमारा जा रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, संग्रह क्षेत्र के लिए। तो जो 94% है उनके लिए सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो वहाँ पे जो जॉब नहीं क्रिएट हो रहा। और जो संग्रह क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा मैकेनाइज और ऑटोमेटेड होता चला जा रहा है। आप मारुति की फैक्ट्री में चले जाएँ तो वहाँ पे बड़े बड़े रोबोट्स के जरिए से जो सारा काम होता है, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना नहीं हो रहा है। उसी तरह कृषि देख लें तो कृषि में हार्वेस्टर कंबाइंस, ट्रैक्टर्स और जो थ्रेशर्स, इनके जरिए से हो रहा है, वहाँ पे भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा। तो 48% लोग हमारे जो असंगठित क्षेत्र के हैं, 46% जो असंगठित क्षेत्र वाले हैं वो कृषि में काम करते हैं, 48% जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो हमारा माइक्रो सेक्टर है वो बड़ी बड़ी तरह से पिट रहा है। तो जो माइक्रो सेक्टर जब पिटेगा तो वहाँ पे ये सब ज़्यादा रोजगार है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ 6,000 बड़ी इकाइयाँ हैं, 6,00,000 स्मॉल और मीडियम इकाइयाँ हैं और 6 करोड़ माइक्रो इकाइयाँ हैं। और एमएसएमई का 97.5%, मतलब एमएसएमई का, टोटल का नहीं, एमएसएमई का 97.5% जो एम्प्लॉयमेंट है वो माइक्रो सेक्टर में है। और जब माइक्रो सेक्टर पिटेगा तो फिर बेरोजगारी हमारी बढ़ेगी। तो जहाँ पे माइक्रो सेक्टर ढंग से काम कर रहा है वहाँ पे जब बेरोजगारी कम रहेगी, जहाँ पे वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, जहाँ पे कृषि में परेशानी आ रही है, मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हमारी जो रिपोर्ट आई अभी 11 अक्टूबर को, हमने रोजगारी और बेरोजगारी पे रिपोर्ट जो जारी की थी, उसमें हमने दिखाया कि 320 मिलियन यानी 32 करोड़ के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ है जिनके पास ढंग का काम नहीं है। तो बेरोजगारी 4 तरह की हमने बताई। एक तो वो जो 19 करोड़ लोग हैं जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, जो हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 45% है, जबकि दूसरी कंपेरेबल कंट्री चाइना, ब्राज़ील, अमेरिका वगैरह में 65% है। तो हमारे यहाँ 20% लोग कम हैं जो काम जो कर रहे हैं, क्योंकि उनको काम मिल नहीं रहा है। दूसरा है जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी कि उनको हफ्ते में 40 घंटे का काम नहीं मिलता, कम काम मिलता है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो अंडर एम्प्लॉयड को देखते ही नहीं है। तीसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब खेत पे आप जाते हैं लेकिन काम नहीं है, वो भी हमारे आंकड़ों में नहीं आते हैं। तो हमारे जो आंकड़े हैं वो सही नहीं हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि जब तक हम कृषि को आगे सहारा नहीं देंगे, कृषि में जो वो रोजगार पैदा ज़्यादा नहीं होगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। उसी तरह माइक्रो सेक्टर जो बड़े लेवल पे डिस्ट्रॉय हो रहा है नोटबंदी के बाद और ये GST के बाद वगैरह, उसको सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि MSME का 97.5% तो रोजगार माइक्रो सेक्टर में है। तो ये जो सारा है इसके लिए हमें जो कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ावा देना पड़ेगा माइक्रो सेक्टर में। जैसे कि अगर तिरपुर है, वहाँ पे जो टेक्सटाइल है, भडोई है, जैसे कि वहाँ पे जो कारपेट्स हैं, जैसे ब्रास है जो अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, जब इनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर में इनको लोन प्रोवाइड करेंगे, इनको मार्केटिंग देंगे, इनको टेक्नोलॉजी देंगे, तब ये आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी MSME के नाम पे हम जो कंसेशन देते हैं वो मीडियम सेक्टर तो जो उठा लेता है, लेकिन स्मॉल और मीडियम तक उसका फायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो जो आते ही नहीं है उसके दायरे में। तो इसलिए अगर हमें जब रोजगार पैदा करना है तो एक तो माइक्रो सेक्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा कृषि को जो ज़्यादा सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर, उसके लिए जो मार्केटिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का है उसको करना पड़ेगा। और हमारी नीतियों को बदल के जो लोअर लेवल पे जो डिमांड कम हुई है, जिसका जिक्र कि अभी हिमांशु जी ने भी किया था कि जो ब्रॉड बेस हमारे जो होनी चाहिए डिमांड की, उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो बड़ी इंडस्ट्री भी जो इन्वेस्टमेंट कम कर देगी। तो आपने देखा 2012-13 में हमारा इन्वेस्टमेंट रेट अर्थव्यवस्था में 36.5% था, वो गिर के 30% हो गया। पैंडमिक के दौरान वो और कम हो गया। तो वो इसलिए कम हुआ क्योंकि डिमांड नहीं है। आपने देखा जब हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी भारी छूट दी कॉर्पोरेट टैक्स में, तो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा के क्या करेंगे। उन्होंने अपना बैलेंस शीट ठीक कर लिया, डेट को कम कर लिया, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया। तो हमारे अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ने के लिए कंजम्पशन डिमांड जो गरीब आदमी की है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें अपनी जो नेशनल इनकम है उसको गरीबों की तरफ शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हमारा डिमांड कम रहेगी और ग्रोथ कम रहेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम रहेगा। जी जी भाई साहब, मैं अखिलेश जी आपसे एक बेसिक चीज़ पूछ लूँ, हालांकि उससे पहले हिमांशु जी ने जो एक बात कही
कि गुजरात एक समय सबसे बड़े नमक प्रोड्यूसर के रूप में था, लेकिन अब याद कराया जाता है कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। खैर, मैं जो जो बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, ये 80 करोड़ को जो फ्री राशन की बात है, ये क्या रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी पे नहीं है अखिलेश जी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं फ्री राशन है, लोग इतने गरीब हो गए, तो ये आपकी अर्थव्यवस्था का आयना नहीं है अखिलेश जी? अच्छा, देखिए, जब ये एनआरईजी शुरू हुआ था, जब यूपीए सरकार ने शुरू किया था एनआरईजी के समय भी ये बात हुई थी कि एनआरईजी आप क्यों ला रहे हैं, और उसके बाद जब राइट टू फूड बिल पास हुआ तो राइट टू फूड बिल के समय भी ये बात हुई थी, और हम लोग बार बार पूछते थे, मंत्रियों से पूछते थे, रघुवंश जो समय मंत्री थे एनआरईजी को जिन्होंने लॉन्च किया था, तो साफ साफ ये कहना था कि ये सारे जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है डिस्टिट्यूशन में जो लोग हैं, जो लोग अति अति बुरी हालत में हैं और जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है जिनके पास, जो हट्ठे कट्टे हैं, जो कहीं काम कर सकते हैं। और उस समय का इतिहास जो हम लोग देख रहे थे कि उस समय कई मंत्रियों ने, पी चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे, ऑस्कर फर्नांडिस लेबर मिनिस्टर थे, उन दोनों ने मना कर दिया था कि हम ये कार्यक्रम नहीं लागू कर सकते क्योंकि हमको इतने लोगों को पैसा देना होगा, इतने लोगों को एनआरईजी में लगाना होगा। लेकिन जब रघुवंश प्रसाद सिंह के सामने ये मामला आया, उन्होंने खुद ही हम लोग को बताया कि वो मैथमेटिशियन थे, खुद भी प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने बताया कि हमने चुना उसको, हमने देखा कि कितने लोग काम करेंगे। उन्होंने बोला कि ये कुदाल लेकर जो गांव में जाएंगे, जो लोग गांव में, वो सिर्फ वही जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, और उसको हम राइट टू फूड बिल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब भी जरूरत होगी। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति में जो लोग हैं उन्हीं के लिए थी। तो यह हो सकता है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट ऐसी स्थिति में हो जो कि सर महीने का, मान लीजिए साल का एकाध ऐसा महीना है जिसमें कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में रहने वाले लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यह नियम नहीं बन सकता, यह परंपरा नहीं बन सकती। और ये कह सकते हैं कि पहले जब बीजेपी सरकार आई थी 2014 में, तो आपको याद होगा कि उस समय एनआरईजी के बिल्कुल खिलाफ थे, राइट टू फूड बिल के बिल्कुल खिलाफ थे, उनका खुद ही ये मानना था कि ये जो है ये लाइबिलिटी है देश पे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पॉलिटिकल इकोनॉमी में जब से जैसे जैसे वो एंटर करते गए, और उन्होंने देखा कि इसका तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी ये है कि हर घर को आप अनाज दे दो, और जानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है एनआरईजीए में, एनआरईजीए की कैपेसिटी नहीं बढ़ पा रही, उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मांग करती है कि एनआरईजीए को लागू करो। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये जो तरीका है, ये तरीका 75 साल आज़ादी के हो गए, और 75 साल की आज़ादी के बाद आपको याद होगा कि फूड फॉर वर्क का एक पहले चलता था कि फूड फॉर वर्क देंगे, तो हमको उस समय बहुत खराब लगता था कि फूड फॉर वर्क मतलब हम इतनी बुरी हालत में है कि हम काम करने के लिए सिर्फ खाना दे देंगे, वेज फॉर वर्क नहीं, फूड फॉर वर्क। और आज यही हो रहा है कि वो एक फूड फॉर योर लिविंग मिल रहा है, और उस फूड फॉर लिविंग के चलते कह सकते हैं कि हम ये गर्व नहीं कर सकते कि अगले कुछ सालों में अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर बन जाएंगे, हो सकता है आंकड़े हमको बना देंगे, लेकिन जो अरुण कुमार जी बोल रहे थे कि ये जो आंकड़े हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी के और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हम अभी बन गए हैं, तो ये लार्जेस्ट एक मैक्रो पिक्चर का है, माइक्रो पिक्चर अभी भी हमारा बहुत खराब है। सर, एक रिपोर्टर के माध्यम से मैं कई तरह के लोगों से बात करता हूँ, और जो लोग सरकार के समर्थक हैं वो लोग भी आपको प्राइवेट बात में रोना रोएंगे कि हालत बहुत खराब है, मुनाफा नहीं हो रहा है, और वो बने भी पूरी तरह पिछली सरकारों के समय। लेकिन फिर जब आगे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ जी वो पॉलिटिक्स के मामले में वो सरकार के साथ होते हैं। तो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का यह जो एक दूरी बन गई है, और कुछ लोगों के लिए है जो सामंजस्य बन गया कि भले ही हम बुरी हालत में भी हों लेकिन हम सपोर्ट करते रहेंगे भले ही इकोनॉमी खराब हो। और याद होगा कि कोरोना के पहले लगातार कंजम्पशन कम हो रहा था, और उसके बाद जब कोरोना आया तो सरकार को एक ब्रीदर मिल गया कि ये बहाना मिल गया कि हाँ जी अब तो कोरोना आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यह जो मुफ्त अनाज देकर लोगों को जिंदा रखने की बात है, यह बिल्कुल ही फ्लॉड इकोनॉमी है। और इस मुफ्त अनाज के साथ अगर मुफ्त अनाज अगर देना ही है तो उसको काम दीजिए, उसके जगह पे इंडस्ट्री खड़ा कीजिए, स्मॉल स्केल करिए, बिग इंडस्ट्री करिए, और आप देखेंगे कि पूरा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा बिहार, पूरा बंगाल, ये सारे जो है वो इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है। ये सारे ऐसे प्रदेश हैं जो एक तरह से कहें कि लेबर सप्लायर स्टेट्स बन गए हैं, और लेबर सप्लाई करते हैं, वो चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे वो बॉम्बे जाए, चाहे वो गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए, जहाँ भी जाए,
लेकिन ये जो इकोनॉमी की हालत है, ये इकोनॉमी की मैंने वन साइडेड इकोनॉमी हो रही है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने जो सवाल पूछा है या स्वस्थ इकोनॉमी का कोई तरीका है, ये नहीं हो सकता। जी 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 अजय जी, मैं दो अजय आपसे दो प्रश्न है क्योंकि आप इस सेक्टर में काफी जानते हैं। एक जो हिमांशु बयानी साहब ने पहली बहुत बेसिक बात की है कि अब छोटे टैक्स पेयर नहीं, उनको बड़े टैक्स पेयर चाहिए, एक ही जगह बड़े ठेकेदार चाहिए, बड़े ये सारी चीजें अब लार्जर स्केल पे हो गई, पहले अब जो भी बड़ा है उसी के लिए है। मैं जैसे इन्होंने खदान की बात कही और ये साफ कहा कि अब वो खदान किसी बड़े को दी जाएगी, और इस देश में बड़ा कौन है, वो एक दो है, वो आपको पता है हमको पता है कि खदान किसको दी जाएगी। मैं उसी रेफरेंस में मेरे दो प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि ये जो जो एक भाई साहब जो बड़े आदमी बन गए हैं, ये हर चीज फटफट ले तो लेते हैं। अब रिपोर्ट आ रही है कि एयरपोर्ट चल नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट घाटे में आ रहे हैं। अब वो जब घाटे में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जेब से तो घाटा आटा देंगे नहीं, तो एक तो ये इनको आंख बंद करके सारी चीजें सौंपते जाना, मतलब मैं खास नाम से कह दूंगा अडानी जी को सौंपते जाना, एनडीटीवी उनसे चलाया नहीं जा रहा है, मतलब वो कोई भी सेक्टर को चलते हुए नहीं देखा है। दूसरा मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2014 के बाद ये जो मोदी सरकार है वो सिर्फ नंबर से खेल रही है या हिंदुस्तान सही में बहुत तरक्की कर रहा है, दोनों चीजें। अजय जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा आपको पहले दूसरा वाला प्रश्न का थोड़ा जवाब दे दूं, उसमें मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों से, आप ये बताइए हमारी इकोनॉमी $1 trillion कब पहुंची थी या 2 कब पहुंची थी, तब कभी कोई ये बात करता था? और ये बहुत पहले की बात नहीं है, मैं बता देता हूं 2007 में हम $1.2 trillion बने थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब किसी ने ये ढिंडोरा पीटा था जाके। 2014 में हम 2 trillion बने थे जब मोदी जी आए थे, तो 7 साल में उस समय यूपीए 1-2 में हमारी इकोनॉमी डबल हो गई थी। 2021 में हम बने 3 trillion, अगले 7 साल में हम केवल 1.5 गुना बढ़े हैं, तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर थी जो आज हमें बताया जा रहा है हम दुनिया में 5वें पे पहुंच जाएंगे या 5 trillion बन जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक आम आदमी को क्या मिलेगा उससे, कभी ये सोचा है? मतलब ये इनके भक्त लोग ये गाते रहते हैं, बट टमाटर तो वो भी 160 रुपए किलो ही ले रहे हैं। तो ये सिर्फ एक इनका प्रोपेगेंडा है जिसको मैं बोलता हूँ, ये लाइज, हाफ ट्रूथ्स और ट्रूथ्स, ये बना के एक नैरेटिव सेट कर देते हैं, और हर कोई इनकी सरकार में अलग अलग बोलता है। मोदी जी कुछ और बोलेंगे, मंत्री कुछ और बोलेंगे, RBI कुछ और बोलेगा, इन तीनों में कोई मेल नहीं है किसी भी चीज का। प्रोफेसर साहब ने GDP पर कैपिटा की बात की, जो मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता हूं कि वो भी कोई मेजर है कंपैरिजन का, लेकिन हम 2022 में हमारी पर कैपिटा $2,400 थी, 2014 में 1500 थी, वो भी 1.5 गुना ही बढ़ी है, लेकिन BPL के अंदर जो लोग थे वो इस दौरान में ज्यादा हो गए हैं आप, और खास करके BJP रूल स्टेट में। अगर आप मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, इन सब जगह पे गरीबी ज्यादा बढ़ी है, और जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन का 50% इन्हीं स्टेट्स में है, तो ये भी एक कोई मेजर नहीं है। इसका ये मतलब है कि बाकी स्टेट्स ने बेटर किया है, और वो आपको दिखता है कि दक्षिण भारत के राज्य बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। इसका एक मेजर जो मेरे हिसाब से, और प्रोफेसर साहब शायद उस पर कमेंट कर सकते हैं, GDP एट परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, ये शायद एक मेजर हो सकता है जो आप कंपेयर करें, लेकिन उसमें भी आज भारत 128वें स्थान पे है आउट ऑफ 186 कंट्रीज। तो अगर आपको बताना ही है किसी को, तो इस पे आप चलिए PPP लेके और उस पे आप ग्रोथ दिखाइए, लेकिन वो भी हम नीचे जा रहे हैं उसमें। लास्ट 7 साल में जितनी तेजी से हम UPA 1 के टाइम बढ़े थे, अब नहीं बढ़ रहे हैं उसमें। और लास्टली मैं थोड़ा इनका जो कॉमन मैन को क्या है, महंगाई से मतलब है, इन्फ्लेशन 5-6% चले जा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स
पिछले साल तो 15% तक टच कर गया था। हम बोरोइंग्स बढ़ाए जा रहे हैं, हम 1,900 बिलियन डॉलर्स की इस वक्त बोरोइंग है हमारे पास। ये पैसा कौन देगा वापस? ये आने वाले समय में जाएगा, और जब आपका इंटरेस्ट ही जाएगा तो सरकार के पास खर्चे के लिए क्या बचेगा? तो वेलफेयर मेजर कट डाउन करेंगे। अगेन आपका जो गरीब तबका है वो आने वाले 5-10 सालों में उनके लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि वो पैसा अभी खर्च हो चुका है। 50% ऑफ GDP पे हमारी बोरोइंग पहुंच गई है। इम्पोर्ट डेफिशिट 3-3.5% ऑफ GDP पे हम पहुंच गए। अब हमारे पीयूष गोयल जी कहते हैं हम टारगेट अचीव कर लिया, वी एक्सीडेड द टारगेट। हम 750 बिलियन डॉलर का टारगेट था, हम उसे एक्सीड कर गए, लेकिन डेफिसिट हमारा 122 मिलियन डॉलर, वो सर्विसेज मिला के। सर्विसेज हमारी प्रॉफिट में है, अगर आप वो हटा दें तो ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और वो फंडिंग होती थी हमारा FDI से। प्रोफेसर साहब ने ये भी बोला कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल चले गए। अगर आपने अभी की रिपोर्ट देखी है पिछले महीने की, 28 बिलियन डॉलर आउटफ्लो है कैपिटल का उन लोगों से जो बाहर जा रहे हैं, मतलब जो दुबई में घर बना रहे हैं, जो कतार में जाके घर खरीद रहे हैं, 28 बिलियन डॉलर लेके चले गए। और हमारा FDI लास्ट ईयर 28 बिलियन डॉलर था। तो जितना भी FDI आया है वो सारा हमने रियल एस्टेट में जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो लेके चले गए। तो ये असली हालत है, इस पे कोई नहीं बोलता है, और इससे मेरे को फर्क पड़ेगा, आपको पड़ेगा। तो ये तो रही इकोनॉमी की बात। और जहां तक अडानी जी की, भाई अडानी जी बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सपोर्ट कर रहे हैं एक नैरेटिव को। उनको उनको धंधे से मतलब है क्या? वो एयरपोर्ट आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए वो ले लेंगे, वो कभी ये सोच के नहीं लेते हैं कि वो चलाएंगे कैसे। क्या फर्क पड़ता है अगर बॉम्बे एयरपोर्ट में खराब हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? आप कहाँ जाएंगे? या वो दूसरा एयरपोर्ट बॉम्बे का कितने साल से बन रहा है अडानी जी, उसमें भी तो 6-7 साल से लगे हुए हैं, जो नवी मुंबई का, क्या हुआ उसका? वो बना नहीं है। तो इनकी बैलेंस शीट आप बिलीव कैसे कर सकते हो? ये तो कुछ भी करें, ये तो मनी एक तरह से इधर से उधर करते हैं, तो ये बिजनेसमैन नहीं है ये। तो ये तो ऐसा रेलवे दे दीजिए वो भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे ये। और ये सब लॉन्ग रन में जाके आपको आज से 8-10 साल बाद ये पता चलेगा कि क्या हो गया। आनंद जी, जी मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और जरा बता दें, क्योंकि जब इकोनॉमी एक समय आई थी, हो सकता है वो रास्ता हम सब लोग उसके अगेंस्ट थे कि वर्ल्ड बैंक को जिस तरह से हम लोग खोल रहे थे, गैट साइन किया गया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको एक समय गाइड किया था। हमारे यहाँ RBI की अपनी ताकत थी, प्लानिंग कमीशन, फिनेंस मिनिस्ट्री, डेटा के लिए कुछ कुछ विभाग थे, उन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होता था। इन इन विभागों का इंडिपेंडेंट होना किसी इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आज वो इंडिपेंडेंस नहीं रह गई है। आज RBI या प्लानिंग कमीशन तो अब है नहीं, नीति आयोग। आपको क्या लगता है किसी भी स्वस्थ इकोनॉमी के लिए इन इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंट रहना आवश्यक है? जी हाँ, देखिए जो RBI है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी नीतियां गलत हो जाती हैं। जैसे कि RBI ने अभी मॉनेटरी टारगेटिंग में किया है कि वो फिस्कल इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बनाया गया है, लेकिन ग्रोथ पे भी असर होता है उसका, और ग्रोथ के जब असर होता है तो इसलिए जो फिस्कल पॉलिसी से उसका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन कोऑर्डिनेट करता था कि स्टेट्स को कितना पैसा जाएगा, मिनिस्ट्रीज के बीच में कितना पैसा जाएगा, जिससे कि एक मतलब जो बैलेंस बना रहे। तो जो वहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन का रोल था, अब कोई भी जो मिनिस्ट्री ये नहीं करती, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोऑर्डिनेट कर रही है। पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो सिर्फ ये काम है कि वो कटौती करती रहे, उसका ये काम नहीं कि वो जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्टेट्स के बीच में बैलेंस बनाए। तो वो जो एक रोल था जो प्लानिंग कमीशन का, वो भी एक तरह से ख़त्म हो गया है।
तीसरी बात यह थी कि जब प्लानिंग कमीशन है वो कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज वगैरह कराता था, जो अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन है उसके बारे में सबको बताता था, आगे की प्लानिंग कैसे हो, किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो। तो देखिए, कोई भी बड़ी एंटिटी, वो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो चाहे जो सरकार का कोई जो वो जो सेक्टर हो, उसमें प्लानिंग की जरूरत है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो कोई आज के लिए सिर्फ नहीं चलती है, वो चलती है कि आगे अगले 10 साल में 15 साल में क्या होगा। तो प्लान बनाने की जरूरत होती है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, वो चाहे पब्लिक सेक्टर का हो। तो वो रोल भी एक तरह से खत्म हो गया है, जो एक इंडिपेंडेंट जो एक थिंक टैंक का रोल था, जो तरह तरह की रिपोर्ट्स निकालते थे जिससे जो सबको पता लगता था। फिर सबसे बड़ी बात यह कि डेटा में बहुत खिलवाड़ हो रहा है। जैसे कि जब कंजम्पशन का डेटा आया जो 2017-18 में, वो उनके लगा कि सही नहीं है, तो उसको उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो अब 2011-12 के बाद कोई ऑफिशियल डेटा ही नहीं कंजम्पशन के बारे में, तो आप पॉवर्टी की स्टडी नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। फिर जो आपका सेंसस होना चाहिए था 2021 में, 2022 में कर लेते, 2023 में कर लेते, वो सेंसस नहीं। अब सेंसस नहीं किया तो जितने भी आपके सैंपल्स ड्रॉ होते हैं वो पुराने 2011 के सेंसस के आधार पे होते हैं, जो कि अब वैलिड नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, उसका जो रेशियो चेंज हो गया है, उसका स्टेट्स के अक्रॉस चेंज हो गया है। तो हमारा जो मतलब जो सरकार में जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये जो सैंपल सही नहीं है, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि ऑफिशियल डेटा सही नहीं है। फिर उसी तरह जब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा 45 साल की जब बढ़त पे आया 2019-20 में, तो उसको भी सरकार ने मना कर दिया। फिर जब ये दिखाया कि यूपीए की दौरान जो डेटा ने दिखाया कि यूपीए के दौरान ग्रोथ रेट ज़्यादा था बनिस्पत एनडीए के, तो सरकार ने उस स्टडी को भी जब नकार दिया। उन्होंने फिर पहली बार ऐसा हुआ कि नीति आयोग ने जब डेटा दिया कि जो बैक सीरीज क्या है, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी जो एजेंसी है सीएसओ वगैरह जो इसको जो नापती है उससे लेके जो नीति आयोग में दे दिया। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ डेटा जो हो रहा है ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और अब सरकार ये मान नहीं रही है कि हमारा असंगठित क्षेत्र का जो डेटा है वो हमारे जीडीपी के डेटा में नहीं आ रहा, वो हमारे बाकी क्षेत्रों में नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा जो जीडीपी का जो आंकड़ा है, ग्रोथ का आंकड़ा है, वो सही नहीं है। मैं बार बार यही बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था 6-7% पे नहीं बढ़ रही, वो 1% पे, 2% पे या 0% पे जब बढ़ रही है। तो इसलिए जो हमारे डेटा हैं उनसे बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, और इसी का असर है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्लानिंग सही नहीं हो पा रही है। क्योंकि जब डेटा गलत होगा तो प्लानिंग भी गलत हो जाएगी। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अगर आप देखें तो हमारे प्राइसेस पे कंट्रोल करने में जो कामयाब नहीं होती है, वो ग्रोथ बढ़ाने में कामयाब नहीं होती, क्योंकि आरबीआई भी जो है वो डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है। आरबीआई वही डेटा इस्तेमाल करती है जो सरकार रिलीज करता है। आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस भी सरकार का ही डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो जो सरकार के डेटा में कमजोरी है वो आईएमएफ के डेटा में कमजोरी है, यूनाइटेड नेशंस के डेटा में कमजोरी है। तो इसलिए जब सरकार कहती है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 6-7% है, तो वो भी उसमें आधा प्रतिशत इधर उधर करके वो डेटा दे देते हैं। तो इसलिए हमारा डेटा की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नोटबंदी के बाद से, जब से कि असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और वो गिरावट जो है वो हमारे डेटा में नहीं दिखती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया है, अदृश्य कर दिया है। डेटा में पहले अदृश्य कर दिया, अब क्योंकि डेटा में जो अदृश्य कर दिया है तो फिर पॉलिसी बनाने की भी जरूरत नहीं है। जब कहा जा रहा है कि 6-7% की ग्रोथ है, शाइनिंग एग्जाम्पल है कि इन अ डार्क स्पॉट इन द वर्ल्ड, तो हम ही वी आर द शाइनिंग एग्जाम्पल, तो फिर कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं कहता हूँ कि हमारा असंगठित क्षेत्र जो है उसको संगठित क्षेत्र ने कॉलोनाइज कर दिया है। आप अगर चारों तरफ उदाहरण देखें तो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है क्योंकि संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। और जैसे कि आप देखें जो नेबरहुड स्टोर है वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं, ई कॉमर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ई कॉमर्स संगठित क्षेत्र में है। उसी तरह आप टेक्सटाइल सेक्टर में देख लीजिए, लेदर गुड सेक्टर में देख लीजिए, जो और बाकी मास कंजम्पशन आइटम्स हैं वहाँ पे असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है और जो डिमांड है वो संगठित क्षेत्र में जा रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट अगर आप उठा के देखें, एनुअल रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि हम जो हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है क्योंकि जो छोटी इकाइयां हैं वो इससे डील नहीं कर पा रही हैं, जो आज की स्थिति है वो गिरावट पे है, तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो तो बहुत ऑटोमेटेड है, तो वहां पे रोजगार पैदा नहीं होगा, इसीलिए बेरोजगारी की समस्या है। और क्योंकि कॉरपोरेट पावर बढ़ गई है तो वो दाम भी तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो एक तरफ दाम बढ़ा रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो रहा है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यही असंगठित क्षेत्र को जो धक्का पहुंचा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था है उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। अगर काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लग पाए तो हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो वो बढ़ जाएगा,
हमारे जो टैक्स जीडीपी रेशियो वो करीब 17% है, जिसमें 11% आता है जो इनडायरेक्ट टैक्स से और 6% आता है जो डायरेक्ट टैक्स से। ये जो 6% है ये कम से कम 12-13% होना चाहिए। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में वो 10-11-12% होता है, डेवलप कंट्री में 22-23% होता है। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो इसलिए कम है क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी जो है अभी भी बहुत जो है तेज चल रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब 30,000 करोड़ का जो सोना वो जो ड्रग्स आए तस्करी से वो जो अडानी पोर्ट के थ्रू 2,000 करोड़ के जो आए उस पर आज तक कुछ बात नहीं हो रही है। और जो बाकी जो अगर आप देखें तो हर जगह जो करप्शन के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है काले धन की अर्थव्यवस्था पे भी जब तक अंकुश नहीं लगेगा तो स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं आएंगे कि वो सही ढंग से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पीने के पानी पे, बाकी और चीज़ों पे, सोशल सेक्टर पे ज़्यादा खर्च कर पाए। तो यही वजह है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी तेज़ है, इन्फ्लेशन भी तेज़ है और जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और उससे हमारी अर्थव्यवस्था की परेशानी बढ़ रही है। हिमांशु जी आपसे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि आपने गुजरात के 2 मॉडल बताए थे, लेकिन गुजरात का 1 मॉडल और है, नीरव मोदी मॉडल। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक शब्द है आजकल नीरव मोदी जी का नाम लेना, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके बोल रहा हूँ। एक नीरव मोदी मॉडल भी है कि पैसा यहाँ से कुछ कुछ करो, और यूपी के कुछ लोग भी गाजीपुर से लोग जाके वहां से बैंक का लोन करवा ले रहे हैं। हमारे संजय राय साहब या कौन है शेरपुरिया जी, तो यूपी से जाते हैं वहां, तो एक उनको उन्होंने वो मॉडल किया है। दूसरा, मेरे एक दर्शक पूछ रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग इज आउटलॉड, आज की तारीख में देश में आउटलॉ है, मतलब नहीं कर सकते। येट सीक्स गवर्नमेंट सीक्स 30% ऑफ द विनिंग सेम इन गेमिंग इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं कंट्रडिक्शन है, एक तरफ आप इसको आउटलॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस पे टैक्स लगाए हुए हैं। और एक सवाल जो मूल सवाल है कि जो हमारे यहाँ के अब उसको कहा नहीं जाता है क्योंकि लोगों को बुरा लगता है उन स्टेट वालों को, ये जो हमारे बीमारू राज्य थे और डेवलप्ड स्टेट थे इनको एड्रेस कैसे करना है, क्योंकि ये तो हरदम रहेगा, रिसोर्स एक जगह है, वो जनरेट ज्यादा कर रहे हैं, ये सारा उसको ले रहे हैं, इसकी बैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए आपके हिसाब से? मॉडल है ना वो, मैं ये जो नीरव मोदी मॉडल जो है, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ, यस, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ये जो नीरव मोदी मॉडल है ना साहब, वो गुजरात का मॉडल नहीं है, समझ लीजिए। मैंने जैसे कहा कि ये जो इलाका जहां से लोग खड़े हुए ना, एंटरप्राइजेस खड़े किए, वो कैश वाले हैं, सब टूटे हैं, समझो आप। ऐसा नहीं है टूटे नहीं है, मैं जिस शहर पे आ रहा हूँ राजकोट से, वहां पे लोग सट्टे में टूट जाते हैं, बैठा हुआ होता है बंदा वहां पे, सबका पैसा देता है, वापस खड़ा होता है, भागता नहीं है पैसा लेके। सौराष्ट्र कच्छ में आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको कभी भी न्यूज नहीं आएगी कि लोग भाग गए पैसे लेके। ये जो होता है ये ज्यादातर ये जो सेंट्रल गुजरात वगैरह जहाँ पे, जैसे ही अपने वडोदरा में जो कंपनी थी इनकी स्टर्लिंग वालों की, सांडेसरा ब्रदर्स, तो ये सब, ये मैं बोला ना वो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, पैसा होता नहीं, उधार की जिंदगी जीते, दिखावा ज्यादा करते हैं। इधर के लोग जो है वो श्रम वाले हैं, समंदर किनारे पले बड़े, मैरीटाइम ट्रेड सीखा, वहां से धंधा सीखा, एक्सपोजर हुआ। उस जमाने में जैसे बाहर से, मतलब वो जो शिप्स आते थे उसमें उन्होंने सीखा सब, कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली उनपे आया और उन्होंने धंधा उस तरीके से किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैनिपुलेशन नहीं हुआ, धंधे में मैनिपुलेशन होता है। वो अगर आप लॉ ऑफ द लैंड में, वो चीज नहीं है रूल ऑफ द बुक, जैसे हर्षद मेहता ने किया था। हर्षद मेहता बॉन्ड ट्रेडर था, तो बॉन्ड का पैसा, बॉन्ड मार्केट का पैसा उसने शेयर में लगाया, लेकिन कोई रूल नहीं था तब कि आप लगा नहीं सकते हो। तो ऐसी जब विंडोज ढूंढ के लोग करते हैं, लेकिन हर्षद मेहता टूटा वहीं पे रहा। हर्षद मेहता भी पानेली करके जगह है जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। तो पानेली के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस गांव ने 2 लोग दिए, एक जाडो और एक जीनो। जाडो मतलब हर्षद मेहता और जूना मतलब जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना। तो वो लोग टूटे नहीं है, टूटे हो गए तो भी खड़े हैं, भाग नहीं गए। ये लोग भाग जाते हैं, ये मुंबई और ये सेंट्रल अहमदाबाद, सेंट्रल गुजरात और यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो क्रेडिट कार्ड की जिंदगी, उधार की जिंदगी, दिखावा ज्यादा, जो नीरव मोदी की लाइफस्टाइल में था, मेहुल चौकसी की लाइफस्टाइल में था, विजय माल्या की लाइफस्टाइल में था, फ्लैम्बॉयंसी, वो यहाँ पे नहीं होती। तो बात ये है कि ये गुजरात मॉडल नहीं है, एक्सेप्शन है अलग बात है, लेकिन ये गुजरात मॉडल नहीं। अनिल अंबानी भी आज की तारीख में देखिए, उसके रूट सौराष्ट्र के है, खड़ा है, टूटा हुआ है, बैंकरप्ट है, लेकिन खड़ा है, वो भागेगा नहीं, ये क्लियर बात है। दूसरी बात आपने पूछी क्रिप्टो और ऑनलाइन को लेके,
ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जिस तरीके से टैक्सेशन डाल दिया गया वो बहुत क्लियर है कि इसको लेजिटिमेट कर दिया है। अभी ऑनलाइन गेमिंग में जो क्रिप्टो का जो भी व्यवहार होता है मुझे लगता है वो सरकार को समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो के जरिए अगर कोई व्यवहार होता है तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। तो इसके लिए पॉलिसी लेवल पे जो बात करनी चाहिए सरकार को मुझे लगता है, अगर आप क्रिप्टो की इनकम को गेमिंग के जरिए जो आती है उसको भी अगर आप टैक्सेबल करते हो तो आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो को लेजिट कर रहे हैं, ये बात क्लियरली इसमें साबित हो रही है। हाँ, अलग बात है कि अगर वो क्रिप्टो का पैसा किसी और कंट्री में चला जाता है तो वो तो ब्लैक इकोनॉमी प्रमोट करने की बात होगी, मतलब आप टैक्स भी नहीं देते और पैसा कहीं और चला गया। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मतलब निर्मला सीतारमन जी है, वो शायद ये बोल भी दे कि मैं तो क्रिप्टो में खेलती नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए, जैसे लहसुन और प्याज में उन्होंने बोल दिया था, तो वेट एंड वॉच क्या होता है उसमें। तीसरा आपका प्रश्न था कि जो बीमारू राज्य है उनको कैसे खड़ा किया जाए। मेरा मैं मोटरसाइकिल लेके घूमता हूँ दूर दराज के गांव में, सब जगह पे जाता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान भारत के पास गॉड गिफ्ट है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, 12 महीने एग्रीकल्चर के सब तरीके के पाक वगैरह सब कुछ है। ये मौका है भारत के पास, अगर ये मौका आपने गवा दिया तो आप यू विल ड्रेन डाउन इन हिस्ट्री एज समबडी हु वाज नॉट एबल टू कैश ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। आज भारत को सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है जो शायद एक जमाने में नहीं मिल रहा था, जैसे हमारे पास 60% रशियन इन्वेंट्री थी वेपन्स की, मतलब वो रशियन पार्ट पुर्जे उसका भगवान तो मालिक, उसका भगवान ही मालिक, ऐसी चीज थी, मिक्स के जो क्रैशिस वगैरह हमने देखे हैं। तो आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है आपके साथ, सब कुछ हो रहा है, इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए कीजिए, गांव खड़े कर दीजिए, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन लाइए, ऑटोमेटिकली आपका एक चेन चलेगा। आई एम श्योर प्रोफेसर अरुण कुमार विद एग्री विद दैट कि आप जो खेत से लाते उसको वैल्यू एडिशन कीजिए, छोटे कारखाने लगेंगे इसके आसपास, हब एंड स्पोक मॉडल बनेगा, चिलर प्लांट्स लाइए, दूध का वैल्यू एडिशन करके आइसक्रीम बनाइए, पनीर बनाइए, चीज बनाइए, एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और आपके ये जो आज के जमाना भी मल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स का तो कोई मीनिंग रहा नहीं, क्योंकि हर घर ओटीटी पहुंच गया है। तो जो भी दूसरे सुख सुविधा के साधन है, मतलब एक बेसिक मेडिकल केयर है या एक सुपरमार्केट जैसा है, वो उस तालुका लेवल के सेंटर में उसी एपीएमसी में दे दीजिए आप लोगों को, तो वहां पे जाके वीकेंड पे उनको जो भी थोड़ा बहुत खरीदी वरीदी करना है, जो भी करना है डिस्काउंटेड पे, आपके अदानी अंबानी सब खड़े हो जाएंगे सुपरमार्केट चुन के आ जाएंगे, तो वहां पे आपके महिंद्रा भी खड़े हो जाएंगे, रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनेंगे, रास्ते अच्छे बनेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लॉजिस्टिक्स आपको चाहिए, चिलर प्लांट्स वाले जो भी है कोल्ड चेन वाले सब खड़े हो जाएंगे, ई कॉमर्स की। और आज 141 करोड़ की आबादी को आपको दो टाइम खाना खिलाना है, तो आपका खुद का कंजम्पशन भी इतना है और आप यही चीज वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2008 में मैं ब्लूमबर्ग यूटीवी में था, तब बजट के लेके मैंने हिमांशु जी एक मिनट में कंक्लूड करिएगा मेरा अगला सेशन में, उससे भी कम मैं कर दूंगा। तो उस समय एक वहां पे किसान ने कहा था कि साहब हमको यहाँ से अगर डायरेक्ट एयर कार्गो देते हैं तो हम लोग ये माल सीधा का सीधा दुबई की मार्केट में 2.5 घंटे में डालेंगे, चाहे धनिया हो चाहे कोई भी सब्जी हो फल हो फ्रूट हो, तो वहां से वो पूरे अफ्रीकन मार्केट्स में मीना रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप सोचिए कितना पैसा मिला गया कच्छ के जो किसान है उसको आज की तारीख में। ये उस जमाने में 2008 में जब यूपीए की सरकार थी, प्रपोजल गई थी यहां से, बाद में यहां से एक आईएएस ऑफिसर रीता टेवोटिया वहां पे थी एग्जिम में, उनको एक बार मैं आया यहाँ पे आए 2014 के बाद, तो मैंने पूछा था, बोले वो प्रपोजल है, लेकिन सरकार ने वो बेसिक प्रपोजल पे भी काम नहीं किया। तो ये करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंडस्केप को आगे ले जाइए, वैल्यू एडिशन कीजिए, गांव कस्बे आपके तालुका सेंटर्स आपकी तहसील आपके शहर सब एकदम परफेक्ट हो जाए, सर्विस मॉडल लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, सब कुछ चलेगा और आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, आपकी इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी। और एक ऐसी ताकत बनी एग्रीकल्चर के जरिए कि आप अगर ऑयल का $1 बढ़ता है तो आपको 800 करोड़ का नुकसान है, तो आप वो अगर ऑयल का $1 बढ़ाने जा रहे हैं जैसे आपने अपनी राइस एक्सपोर्ट पे कर दिया, वैसे आप एग्रीकल्चर के जरिए निगोशिएट कर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट के साथ। तो मुझे लगता है ये मौका है एग्रीकल्चर को सही पे फोकस में ले जाने के लिए। आप सबका जी प्रोफेसर अरुण कुछ कह रहे थे। जी प्रोफेसर दो तीन बातें बहुत एक एक सेंटेंस से कह दूं। देखिए जो पीपीपी होता है हमारा जीडीपी का मेजर करने का, वो गरीबों के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो उनकी तनख्वाह कम होती है इसलिए हम पीपीपी में बेटर हैं, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो गरीब तो इस्तेमाल नहीं करता। तो इसको मैंने 2008 में एक आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, मैंने कहा कि पीपीपी तो हमारे गरीबों के खिलाफ जा रहा है,
क्योंकि वो सर्विसेज सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सर्विसेज यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए डबल वैमी है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हमारी देश की कमजोरी क्या है आर्थिक, एक बड़ी कमजोरी है R&D, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई है। इसीलिए हम RCEP साइन करने गए थे लेकिन RCEP को लास्ट मिनट पर साइन नहीं किया क्योंकि चाइना डोमिनेट करेगा RCEP, RCEP के बाहर है तो भी उन्हीं देशों से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसलिए R&D बहुत जरूरी है। हमारा R&D पे एक्सपेंडिचर 0.7% है, जबकि जो चाइना 3% कर रहा है, साउथ कोरिया 4% कर रहा है, इसराइल 5% कर रहा है। और आज जो ग्लोबलाइजेशन है वो R&D पे आधारित है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही जो आगे चल रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर के उस समय बहुत बात चल रही है, हमारे पास सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है। अभी जो बात हुई थी कि जो हमारा जो ये एक गुजरात में प्लांट लगना था, जो इसमें ये जो अपना फॉक्सकॉन और वेदांता के मदद से, उनको 40 माइक्रोन वाली टेक्नोलॉजी नहीं मिली है ना, और आज दुनिया में 2-3-4 माइक्रोन की टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वो 40 माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो पुरानी वो भी नहीं मिली। तो इसलिए हमें R&D पे बहुत करना है। तीसरी बात जो है कि आने वाले समय में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, जिस तरह से जिसका उदाहरण ChatGPT है, बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो हमारे जो कैजुअल वर्कर है वही नहीं डिस्प्लेस होंगे, जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, टीचर्स के काम है वो बहुत बड़े लेवल पे शायद डिस्प्लेस हो जाएं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह के काम डिस्प्लेस हो जाएं। जहाँ जहाँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आज से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमको आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को तो इस समय छोड़ दीजिए, इस समय टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और आने वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण, अजय, अखिलेश और हिमांशु जी।